दोस्तों मैं पहुंच गया हूं द स्लॉटर्स, लोअर स्लॉटर, लोअर स्लॉटर। और यहां पे एक मिल म्यूजियम, एक छोटा सा क्या ये कनाल बोल सकते हैं आप इसे, वो बह रही है इनके बीचों बीच। बाय द वे आपको ये एक बात बताऊं, ये जो है कैनाल नहीं है, ये रिवर है, रिवर आई, एक सैलो रिवर। ये यहाँ पर ना बिल्कुल वो गांव वाला फील आ रहा है, जैसे कि हमें हमारे नानी घर साइड आता था। तो जो स्लॉटर है ये जगह फेमस है, यह मिल म्यूजियम है। ये जो सामने वुडन व्हील्स है, वाटर व्हील्स कह लीजिए, इसके सेंटर में एक मेटल एक्सिस होता है। वो मेटल एक्सिस जो है इस रिवर के काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है इस घर के अंदर। घर के अंदर कुछ मशीनें लगी होंगी या फिर एक बड़ा सा वुडन साफ्ट होता है, वो साफ्ट की मदद से ये ग्राइंडिंग करते हैं। बेसिकली दो स्टोन्स होते हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेन्स को ग्राइंड करने में। और आप देख सकते हैं कुछ मशीनें और भी रखी हुई हैं, ज़्यादा ग्राइंडिंग करना होता था या फिर जिन्हें जिस साइजेस के फ्लावर चाहिए होते थे वो उस अकॉर्डिंगली ग्राइंड करते थे। फ़िलहाल तो अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे इस घर के अंदर, लगता है सारी चीज़ें इन्होंने निकाल ली है। और आप देख सकते हैं बाकी यहाँ लिखा हुआ है वी आर हैविंग अ लिटिल मेकओवर एंड कैन नॉट वेट टू ओपन आवर डोर्स टू द शॉप एंड म्यूजियम अगेन वेरी सून। ये फ़िलहाल बंद है बट ये बहुत जल्द में भी स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो मिल था यही कॉट्सवर्ल्ड के इस गांव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पे लोगों को आजीविका मिलती थी, उन्हें जॉब मिलता था और यहीं से वो ग्राइंडिंग करते थे। ये बहुत सही है, यहाँ पर छोटे छोटे स्टोन ब्रिज बने हुए हैं रिवर क्रॉसिंग के लिए। और फिलहाल ये ब्रिज को क्रॉस करके हम चलते हैं, बाकी लोग कहाँ पर हैं पता नहीं, मैं बहुत पीछे छूट गया। और ये देखिए बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिज बने हुए हैं और काफ़ी सुंदर सा ये गांव। फिलहाल चलते हैं बाकी सदस्यों की तरफ। पाजी यू कद अभी बटन ऑन वो आएगा, बटन ऑन ये गार्डन स्पेस है। हां जी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक फुटपाथ है। तो भाई देख सकते हैं आप इनके गांव, ये ऐसे ही है हमारे तरफ भी। वहां से लोग आ रहे हैं, तू गाड़ी लेके आ जा, नहीं तो बगल में नाला बह रहा है, एक सड़क है, कीचड़ है, सेम तो सिस्टम है। आपको पैदल चलना, सर को पैदल वॉक करने का मन कर रहा है, लेकिन 5 मिनट का नहीं है ना, 20 मिनट जाना है, 20 मिनट आना है, 40 मिनट उससे अच्छा और एक सीन देख लेंगे ना, कुछ ज्यादा टाइम बचेगा अपने पास। ये ब्रूरी में बैठने वाला है, अभी थोड़ी बैठेगा। लंबे डिस्कशन के बाद हम सभी एक बात पर एग्री होते हैं कि सभी चलते हैं बटन ऑन द वाटर, जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, हमारा अगला लोकेशन है। वो यहाँ से महज 3 या 4 माइल है, जो कि वॉकेबल है, बट हमारे पास कार है तो हम कार से चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बर्टन ऑन द वाटर, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये भी एक छोटा सा टाउन है कॉट्सवॉल्ड डिस्ट्रिक्ट में और है बहुत खूबसूरत। वाकई यहाँ की बिल्डिंग्स जो है ये बहुत पुरानी है और ये एक तरीके का मार्केट प्लेस है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ये टुक टुक भी है, देखते रहे ऐसा वाला सर, कितने में लिया था तूने वहाँ पे? फूल खिलना स्टार्ट हो गए यार, देखो। अरे ये ना कुछ ऐसे लगाए होंगे जिसपे मतलब इतने ठंड में। भाई सच बताऊं इतनी ठंड लग रही है कि देखो बत्तख का क्या हाल हो चुका है, वो भी ठंड से काम कर रहे हैं, गर्दन नीचे करके बैठे हुए हैं। तो सच में ठंड है, Thank you.
दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ द कॉट्सवर्ल्ड परफ्यूमरी में। ये खुद ही बनाते हैं बहुत सारे इंग्लिश परफ्यूम, तो देखते हैं क्या क्या है इनके पास। वैसे बर्टन एक सैक्सन वर्ड से आया है जिसका मतलब है द विलेज बिसाइड द कैंप, और यहाँ के लोग अपने पुराने हिस्ट्री क्लेम करते हैं। लाइक ये कहते हैं कि इनका सेटलमेंट यहाँ स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज से स्टार्ट हो गया था, और इनकी एविडेंस जो मिली है यहाँ पर से वो सारे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में रखी हुई है।